सारे प्लेयर मैदान पे उतर गए हैं ज़मीन का मुआयना लेते हुए। अब आगे की वीडियो हम बनाएंगे गाइड जोन चैनल के लिए। चलिए देखते हैं क्या होगा। 3 बज रहा है, धूप बहुत तेज़ है और ये देख सकते हैं खूंटियाँ खड़ी हुई हैं, जगह नहीं मिली सारे टीम के प्लेयर। भाई के साहब जाते हैं और इधर ये जौनपुर की टीम है, ये जौनपुर के सारे मेंबर हैं। नाम हम सुनवा देते हैं, पेज बनाएंगे शाम को 5:30 बजे के बाद। भाई क्या नाम आपका? आमिर भाई। भाई आपका? मोनू भाई। अकील भाई? अकील भाई। शुभम भाई? मुन्ने भाई, चचा के नाम से काफ़ी मशहूर है। और इधर और भी लोग हैं, मुँह छुपा के बैठे हैं। क्या नाम भाई आपका? अभिमन्यु भाई। श्यामू। और मेंबर बहुत है लड़ाने वाले भैया, देखे आइए। अच्छा ये ऑडियंस है, ऑडियंस जब आई गए तो ऑडियंस भी अपना नाम बता ही दे। देखने वाले क्या नाम है? चंदू नाम है। चंदू नाम। जाऊ लागो भाई आपका? आरपी यादव। आरपी यादव। इधर ये तो हमारे साथ में सनी भाई हैं, लखनऊ से हैं। और इधर लखनऊ के सारे प्लेयर हैं, अजमी भाई। जगह कैसी है? घास वाली, खड़े खड़े? ये देखिए थोड़ा कैमरा नीचे करके दिखाते हैं, ये देखिए सब खड़ा हुआ है। ये किसके भूखेगा तो वो दौड़ेगा। क्या कहना है? ठीक है, लड़ जाएगी, एडजस्ट करा जाएगा। टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस खड़े खड़े लड़ाओ, खड़े खड़े रहो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। इटे जौनपुर लाए, सोडी भाई को जौनपुर लेके आए, सोडी भाई हमारे आते हैं, छोटी रिंग है। देख सोडी भाई भी जा रहे हैं, देखिए ये भी राय मशवरा करेंगे। धूप तेज है, पेज बनाएंगे 5 बजे के बाद से। और अभी दोनों टीमों के प्लेयर सब मिलके ये डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पे खड़े हो, थोड़ी बहुत हवा दाएं बाएं हो रही है। ये रहा है और ये रहा हमारे सोडी भाई। किसी तरह तेज़ धूप में इन्होंने 3:30 बजे 3 पेज काटे और इनके कन्ने खुल गए। ऑल इंडिया कराने वाले हमारे सोडी भाई अभी पतंग के कन्ने नहीं बांध पाते हैं। कन्ने जो है ठस हो गए, बहुत ज़्यादा खुल कन्ने ठस हो गए। तो ये मतलब ऑल इंडिया करा रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस होने से कन्ने नहीं बांध पा रहे। तो इतनी गर्म हो रही कि सर्दी जो है गल गई है। किसके? सर्दी गल गई है, कन्ने बांध देते हैं। ऐसा तो नहीं धूप लग के कन्ने कट गए हो? बस यही वजह है। जिंदगी पहली बार हुआ है, पतंग को उतार रहे हैं 3 पेज से काटे थे। और नीचे से जेबू भाई पहुंच गए हैं, लेकिन काटने की कोशिश है कि कट जाए तो कोई दूसरे को चाहिए। पेज हम कवर करेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए मौसम, क्योंकि मोबाइल हीट कर जा रहा है अभी। ये उस्ताद पतंग को तैयार करते हुए मशूक भाई भी बैठे हैं। इधर उस्ताद मोली उस्ताद, अंदर बैठे हुए फरीद भाई, बरेली लॉयन मांझा मेकर। ठंडा हो जाए फिर पेज कवर करेंगे। दूसरी टीम ये खड़ी हुई है जौनपुर की। अपोजिट टीम के प्लेयर ने 4 पेज काट दिए हैं और नीचे से जगह लेते हुए अपोजिट टीम के प्लेयर ये खड़े हुए हैं। बढ़िया 4 इन्होंने काटे हैं। ऊपर से सलमान एसी के लिए रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। निकलता हुआ मोटा बनाया से मारते हुए भागदा क्रॉस खींचते हुए ताकत बनाते हुए सलमान, और बढ़िया पेज ये काट दिया। तो 5वें पेज पर रोक लिया सलमान ने एसी के लिए, और देखते नीचे से कौन चांस लेगा। तो उस्ताद जा रहे हैं नीचे से लड़ाने के लिए एसी की तरफ से, और ये सारी टीम खड़ी है जौनपुर की। सोडी भाई ने बढ़िया 6 काटे थे, 7वें पे रोका था भाई ने और 4 पेज उसी पतंग से काटे। फिर तो नीचे से उस्ताद पहुंच गए, ऊपर से जौनपुर के मेंबर पटाव को कम करते हुए चच्चा उड़ा रहे हैं, मुन्नू चच्चा। ये देखिए सही कहा, नीचे का पेज पूरा पेज दिखता, जगह लेते हुए चले जा रहे हैं। सही की आवाज़ दे दी, पेज सही हो गया। भारी पतंग लेके उस्ताद पहुंचे हैं, दौड़ निकालते हुए निकलता हुआ मुनाया चच्चा ने जौनपुर के निकलता बनाया सलग लेकर डबल करके रोका, अंदर के मुड्ढे पर रोका, ते ते थपकी मारी, डोल निकालते हुए सीधी सीधी उस्ताद लखनऊ के लिए, और बढ़िया पेज काट दिया। 1 पेज आगा उस्ताद ने पूरा कर लिया लखनऊ एससी के लिए। नीचे से गोल्डी, ऊपर से जौनपुर के मेंबर धीरे धीरे अपनी पतंग का मुड्ढा रखते हुए, पेज सही हो गया है, अंदर के मुड्ढे पे पतंग ऊंची कर रहे हैं गोल्डी भाई एससी काइट क्लब के लिए। बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए जौनपुर के मेंबर, पहला पेज है सल्लक, बाहर की तरफ पतंग को निकाल रहे, गर्दन के पास से मुड्ढा रख रहे हैं जौनपुर के मेंबर। पहले पेज पे ये मेंबर लड़ा रहे हैं, ये मेंबर लड़ा रहे हैं कन्ने के बाद एकदम पतंग उतारते हुए अंदर की तरफ जला लेते जा रहे हैं। दोरों पर रखा चक्कर लिए चुस्के पे पेज दोनों के बीच में, बाहर के बल गोल्डी भाई के, और गोल्डी भाई ये पेज कट गए, टिकट बराबर हो गया। 1 टिकट था एससी का जौनपुर की तरफ। तो अपोजिट टीम के प्लेयर जौनपुर के 1 पेज काट चुके हैं, नीचे से लड़ा रहे हैं, ऊपर से उस्ताद जा रहे हैं एससी के लिए। तो देखते हैं अब कौन काटेगा। और चरखी दिखाते हुए फरीद भाई, बरेली लॉयन के ओनर। ये देखिए
सारी डोर बरेली लॉइन आज इस्तेमाल हो रही है एसी की तरफ से। चलते हैं पेज पे, देखते हैं कौन काटेगा। उस्ताद आगा एसी की तरफ से, नीचे से अपोजिट टीम के प्लेयर। कोई जल्दबाजी नहीं दोनों के बीच में, अपनी पतंग को धीरे धीरे ऊँचा करते हुए जौनपुर के मेंबर भी। उस्ताद बीच में अपनी पतंग को ले जा रहे हैं, पतंग को लगातार ऊँचा करते जा रहे हैं जौनपुर के मेंबर। एक मिनट से ज़्यादा इस पेज को हो गया, अंदर के मुड्डे पे पतंग को उतारते हुए टिकट की पतंग लड़ रही है, निकलता मुड्डा। उस्ताद ने बनाया बाहर की तरफ क्रॉस, खींच रहे हैं जौनपुर के मेंबर भी, डबल होते ही पतंग रोकी, रोके फिर से सरलक बाहर का मुड्डा बनाया, पट पे थपकिया मार रहे हैं लेकिन कट गए जौनपुर के मेंबर। तो बढ़िया पेज, एक बार मुड्ढा बदलते हुए फिर से चपटा खींच के उस्ताद ने काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया है और एक टिकट था जो कि बराबर हो गया है। तो नीचे से उस्ताद अपना दूसरा पेज लड़ा रहे हैं और शाम के समय क्योंकि गेम कवर कर रहे हैं धूप ज़्यादा है और 5 या 6 टिकट हैं खाली एससी के पास जौनपुर के। चचा लड़ा रहे हैं जौनपुर के, मुन्नू चचा सही की आवाज़ दे दी है। उम्मीद है कि फंसने वाला पेज होगा दोनों के बीच में। नीचे से उस्ताद जगह लेते चले आ रहे हैं बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए जौनपुर के चचा। बीच में अपनी पतंग को अभी रखे हैं लेकिन बाहर की तरफ मुड्ढा लगातार निकाल लें। उस्ताद ने अपनी पतंग को ऊँचा करा और ज़्यादा अंदर की तरफ जगह लेते हुए अब चचा की पतंग काफ़ी ज़्यादा बड़ हुई है लेकिन उस्ताद जल्दी जल्दी खींचते हुए नीचे से जगह लेते हुए अपनी पतंग की रेंज को कम करते जा रहे हैं। उन्होंने चचा अपनी पतंग को बचाने के लिए ऊपर ही ऊपर खींचते हुए लेकिन उस्ताद नीचे से जगह लेते जा रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पे सल्ला खींचते हुए काफ़ी ज़्यादा रेंज कम करा लाया है। डोर निकालते हुए उन्होंने चचा अपनी पतंग को ऊँचा करा, उस्ताद ने चक्कर लिए रोके हैं बाहर तब निकाला, दोनों लोगों ने करीब करा चक्कर लिए, करीब करके चक्कर लिए निकलता हुआ मुड्ढा बनाया मुन्नू चचा ने, चक्कर लिया अंदर की तरफ क्रॉस खींचा उस्ताद ने काफ़ी करीब करा, रोक के बाहर की तरफ ताकत से झोल खींचने की कोशिश, डबल करते हुए मुन्नू चचा ने भी उठाया और ये झोल काट दिया। तो बढ़िया पेज उस्ताद ने काट के दो पेज अपने पूरे कर लिए एसी के लिए। ये रहे गोल्डी भाई, 2-3 बार पतंग लड़ाई चांस ली लेकिन हाथ नहीं खुल पा रहा। अंसार भाई के साहबजादे के साथ टहलते हुए ग्राउंड का मज़ा ले रहे हैं। इधर एसी की टीम और जौनपुर के कुछ देखने वाले मेंबर खड़े हुए हैं सब मौज लेते हुए और ये खड़े हुए हैं एजाज बेग बरेली लॉयन के मांझा मेगा ड्रैगन के मांझा मेगा। तो आज इन्हीं का मांझा समझ लीजिए टेस्ट हो रहा है एसी की ओर से पूरा पूरा। और इधर भी देखिए जौनपुर की टीम के कुछ मेंबर बैठे हुए हैं जो कि पहले लखनऊ में आके गेम लड़ा चुके हैं। पंकज भाई की टीम आई थी उसके सलमान भाई बैठे हुए हैं और ये पूरे जौनपुर के मेंबर हैं और बढ़िया पतंगबाजी हो रही है। मेंबर देखिए कितने सारे हैं, जौनपुर के मेंबर भी बहुत ज़्यादा हैं और कम से कम 10-11 मेंबर हैं जो कि टिकट की पतंग लगातार लड़ाते हुए, जिसमें से ये भाई जो आगे पतंग को तैयार कर रहे हैं बढ़िया पतंग लड़ा रहे हो, एक ये भाई जो सबसे पीछे ब्लू टी शर्ट में है डार्क ब्लू बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं जौनपुर की तरफ से। चलते हैं पेज पे, उस्ताद के भाई का पेज आ गया, तीसरा पेज है उस्ताद का। नीचे से जगह ले रहे हैं उस्ताद अपने तीसरे पेज के लिए एसी क्लब की तरफ से और ऊपर से जौनपुर के मेंबर, एमएस काइट क्लब है जौनपुर का। सही की आवाज़ दी है फरीद भाई बरेली लॉयन और इजाज़ बेग, फरीद भाई 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 हैं बरेली लॉयन और ड्रैगन के मांझा मेकर। निकलता हुआ मुड्ढा अपनी बार बनाया, तेते थपकी मारी, डबल करते हुए पतंग उठा रहे थपकते हुए, चक्करों पर डोर छोड़ दी उस्ताद ने, बाहर की तरफ लाए पतंग टकराई और उस्ताद की पतंग करने से कट गई। तो एक पेज हो गया जौनपुर के मेंबर का इस पतंग से और देखते हैं कितने और पेज काट पाते हैं। शामू भाई को चांस मिल गई है एक बार फिर से नीचे के पेज लड़ाने के लिए, काटा दूसरे मेंबर ने था ऊपर से उस्ताद को, तो चांस लेते हुए नीचे से देखते हैं अब की बार अपनी इस पतंग से कितने और पेज काटेंगे। और ऊपर से एससी की तरफ से जेबू भाई जगह बनाते हुए ऊपर के पेज के लिए चरखी कलीम दिखा रहे हैं, काफ़ी पीछे पड़ के जगह बना रहे हैं क्योंकि जगह जो ज़मीन है जौनपुर वाली थोड़ा सा देख सकते हैं गेहूं वेहूँ कटा तो वो खूटे टाइप में खड़ी रहती है, पैर में चुभती बहुत ज़्यादा है ये। तो ऊपर से जेबू भाई, नीचे से शामू जौनपुर के मेम्बर एमएस काइट क्लब वर्सेस एससी। पतंग अपनी ऊपर ही ऊपर चमकाते हुए थोड़ी सी पतंग बढ़ करके सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया। शामू अंदर के मुड्ढे पे नीचे से जगह लेते चले आ रहे हैं और रेंज को लगातार कम कराते हुए, जेबू भाई ऊपर ही ऊपर अपनी पतंग की रेंज को कम कर रहे हैं बचाने के लिए, आसमान में ताने हुए हैं और रेंज को कम करा रहे हैं शामू और ज़्यादा, अब रेंज कम करा जगह लेते हुए निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं जेबू भाई, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए। फिर भी पतंग अभी 50 मीटर बढ़ होगी, निकलता हुआ मुड्ढा काफ़ी दूर से बना लिया उसी को माते आ रहा है। अंदर के मुड्ढे पे शामू ने भी पतंग को दिखाया, करीब करा रोका, थोड़ा सा घेरते हुए मुड्ढा बनाया, रुके चक्कर लिए सीधा करता ताकत से मारा भाई तो शामू ने खींचा, बढ़िया पेज काट के एक पेज पूरा कर लिया अपना एमएस काइट क्लब जौनपुर के लिए। तो ऊपर से सोडी भाई अब की बार आ गए एससी की तरफ से और नीचे से हैं शामू भाई जौनपुर के मेंबर दूसरा पे लड़ाते हुए अपनी पतंग को नीचे से जगह लेते हुए, जल्दी से ऊंचा करा फिर से बाहर निकाला, फिर से अंदर के मुड्ढे पे जगह लेते हुए बाहर की तरफ सल्ला निकालते हुए सोडी भाई अंदर के मुड्ढे पे पतंग को ताकत से खींचते हुए काफ़ी नीचे पेज आ गया है, पतंग को चमकाया शामू ने, फिर से अंदर के मुड्ढे दिखाया, थोड़ी सी पतंग बढ़ है
थोड़ा सा ऊंचा खींचा अंदर के मुड्ढे पे, ऊंचा करते हुए शामू भाई जौनपुर के मेंबर, कोई जल्दबाजी नहीं, पतंग थोड़ी सी भरा है अंदर के मुड्ढे पे, ताकत से खींचना शुरू कर दिया, ताकत से खींचते जा रहे हो, चक्कर काट दिया सोडी भाई के, बढ़िया पेज लड़ा रहे हैं, दो पेज काट चुके फिर से जौनपुर के लिए। ये खड़े हुए हैं कांटे वाली जगह पे, देख सकते हैं कैसे नंगे पैर दौड़ रहे हैं। तो गोल्डी भाई अब की बार चांस लेते हुए एएससी की तरफ से रोकने की कोशिश करेंगे तीसरे पेज पे श्यामू भाई को। ये खड़े हुए श्यामू भाई, बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं और एक इनके बढ़िया प्लेयर पहले से पीछे की तरफ इंतज़ार करते हुए। चलते हैं पेज पे, देखते हैं गोल्डी भाई रोक पाते हैं कि नहीं। पतंगें पेज पे आ गई हैं, भारी भरकम पतंग लेके आए हैं गोल्डी भाई अपनी, जगह लेते हुए नीचे से श्यामू भाई। रेंज अब थोड़ी सी कम हो गई है, दोपहर के समय जब ग्राउंड पे आए थे तो काफ़ी रेंज में पतंगें लड़ रही थी, करीब 700-800 के करीब, अब तो करीब 300 के करीब करीब पतंगें लड़ रही, सही की आवाज़ दी। बीच में अपनी भारी पतंग को बनाए हुए हैं गोल्डी भाई, पेज सही हो गया बीच में एकदम रखते हुए श्यामू बाहर की तरफ ताकत से पतंग को खींचते हुए अंदर के मुड्ढे पर जगह लेते हुए, बीच में पतंग को लगातार उतारते हुए चक्कर लिए, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, श्यामू ने ताकत से खींचा, थोड़ा ऊंचा करा, रुक गए, पतंग को अपना खींचते हुए बचाने की कोशिश कर रहे, अंदर के मुड्ढे पर लगातार खींचते हुए दोनों लोग डबल करते हुए पतंग को खींच रहे हैं, लेकिन पतंग निकल गई श्यामू भाई की, कोई काट काट नहीं हुई, पेज नहीं आया, पेज लेकिन अभी सही चल रहा है, कैंसिल नहीं कराया गया, दोबारा से जगह लेने लगे हैं उसी जगह से, थोड़ी सी रेंज कम हो गई लेकिन पेज सही चल रहा है। अंदर के मुड्ढे फिर से गोल्डी भाई पतंग को उतारते हुए नीचे से जगह लेने लगे हैं, टेढ़ा करा रहे हैं बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए, गर्दन के पास एकदम पहुंचे गोल्डी भाई, पट पे करके थोड़ा सा खाली कराया, गर्दन के पास ही अपनी पतंग को बनाए हुए हैं और टेढ़ा करा के जगह लेते जा रहे हैं श्यामू भाई जौनपुर के लिए। बारी बार पतंग को निकालते हुए गोल्डी भाई भी एकदम गर्दन के पास पतंग को थोड़ा सा खींचा, रुके, पतंग को चला रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पतंग को उतारने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी पतंग बाहर की लग रही है गोल्डी भाई की, नहीं पतंग को बड़ा कर लिया है और फिर से अंदर के मुड्ढे पे ताकत से खींचते हुए जल्दी से गोल्डी भाई ने पतंग उतारा, तेते थपकियाँ मारने लग गए हैं लेकिन चक्कर पे डोर निकाली और बढ़िया पेज गोल्डी भाई ने काट दिया और तीसरे पेज पे रोक लिया है श्यामू भाई को जौनपुर के मेंबर जो काट रहे थे। तो एक पेज हो गया गोल्डी भाई का, देखते हैं खुद कंटिन्यू करेंगे किसी और को चांस देंगे। अब की बार गोल्डी भाई ने काट के उस्ताद को फिर से चांस दिए और एजाज बेग जी बरेली लॉयन मांझा मेकर ड्रैगन मांझा मेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं साथ में उस्ताद की चरखी दिखाते हुए। तो फिर से एक बार उस्ताद ऊपर का पे लड़ा रहे हैं और जौनपुर के सेम मेंबर जिन्होंने काट के श्यामू भाई को चांस दी थे वो ऊपर से लड़ा रहे हैं, सही की आवाज़ दी, पे सही हो गया है, बीच में पतंग उतारते हुए जगह लेते हुए टेढ़ा करा के उस्ताद आगा लखनऊ एसी के लिए, पतंग को ऊँचा करा, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया जौनपुर के मेंबर ने, धीरे धीरे उसी को लेकर चल रहे हैं, करीब करा पतंग को चमकाया, चक्कर लिए, सल्लक बाहर का सल्लक मुड्ढा लिया उसी को ले रहे हैं, धीरे धीरे डबल करते हुए बता रहे हैं कि चक्करों पर डोर छोड़े हैं उस्ताद और पेज हट गया, काफ़ी करीब करके पतंगें दोनों की हट गई लेकिन पतंग को बढ़ करे हुए हैं अभी भी जौनपुर के मेंबर, थोड़ा डोर निकालते जा रहे हैं उस्ताद भी और अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते हुए, थोड़ी सी पतंग बढ़ है जौनपुर की, उस्ताद अब अपनी पतंग को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ऊपर से अंदर की तरफ जगह लेते हुए जौनपुर के मेंबर फिर से अंदर का मुड्ढा बनाया, बीच में एकदम पतंगे अब दोनों की और लगातार डोर निकालते चले जा रहे हैं जौनपुर के मेंबर, बाहर की तरफ खींचा उस्ताद ने, धीरे धीरे बाहर के मुड्ढे पर खींच रहे हैं, अंदर के मुड्ढे पर पतंग उतारते हुए चक्कर लिया, पतंग को चमकाया दोनों लोगों ने, उस्ताद चमका के चक्कर पे फिर से रोके, निकलता बनाया, करीब करा, काफ़ी ज़्यादा करीब कर लिया, पतंग को चमका रहा उस्ताद क्रॉस पे खींचा और एक बार में फैसला हो गया, गजब का पेज काट दिया और एक पेज अपने पूरे कर लिए इस पतंग से उस्ताद ने एसी के लिए। शुभम भाई आगे लड़ाने के लिए दूसरे पेज पे रोकने की कोशिश करेंगे उस्ताद आगा जी को, नीचे से जगह लेते हुए उस्ताद आगा अपनी पतंग को ऊँचा करते हुए थोड़ी बड़ पतंग चढ़ा रहे हैं शुभम भाई, फिर से बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए सल्लक निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, पतंग सीधी हो रही है शायद बाहर की पतंग शुभम भाई की, क्रॉस पट पे खींचा उस्ताद आगा ने भी, दोनों लोग पट पे खींचते हुए दोनों की पतंगें घर पे और धीमे हुए, धीमे होकर अंदर के मुड्ढे पे ताकत से उस्ताद आगा ने खींचा है लेकिन उस्ताद आगा चिपक गए, तो बढ़िया भाई शुभम ने काट दिया और एक पेज अपना पूरा कर लिया इस पतंग से। गोल्डी भाई अपनी भारी पतंग एकदम बीच में रखते हुए, ज़्यादा ऊँचाई नहीं है, नीचे पेज हो रहा है, पेड़ वेड़ देख सकते हैं आप, गर्दन की तरफ भारी पतंग को ले जाते हुए और ज़्यादा नीचे से जगह ले रहे हैं, ताकत से अंदर का मुड्ढा बना लिया, नीचे नीचे जगह लेते हुए सल्लक बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए गर्दन के पास पहुँचे गोल्डी उस्ताद, काफ़ी नीचे करा लिया पेड़ों के ऊपर, एकदम घरों के ऊपर पेज हो रहा है लेकिन और ज़्यादा नीचे करा रहे हैं, ढील छोड़ के बाहर का मुड्ढा ताकत से शुभम ने खींचा, दूसरा पेज है, गोल्डी भाई ने थोड़ा सा ऊँचा कर लिया पतंग को लेकिन नीचे नीचे पेड़ों के ऊपर जगह लेते आ रहे हैं, गोल्डी भाई भी साथ में एकदम नीचे नीचे उनके पतंग लड़ा रहे हैं, ताकत से अंदर का मुड्ढा बनाया उसी को खींचते हुए, रुके, सीधा पतंग को उतारा, डोर चक्करों पे छोड़ दी, फिर से एक बार सेम पेज जिससे पहले काटा था और फिर से ये पेज काट के अपना एक पेज पूरा कर लिया, अब देखते हैं खुल लड़ाएंगे किसी और को चांस देंगे। एक बार फिर से शंभू भाई को चांस मिली, सल्लक भाग तक खींचते हुए कन्ने के पास से गोली भाई ने पतंग फंसाया लेकिन पेज हट गया,
ऊपर के 4-5 पेज काट चुके हैं, चांस दे रहे हैं बार बार अपनी टीम को, अब की बार देखते हैं काट पाते कि नहीं। और नीचे से शंभू भाई चांस लेते हुए जौनपुर के लिए अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते हुए, शंभू भाई अंदर के मुड्ढे पे जल्दी से उतारा लेकिन बाहर की तरफ खींचते हुए अब की बार काट दिया गोल्डी भाई को, और एक पेज अपना पूरा कर लिया जौनपुर के लिए। सिर्फ एक टिकट इधर उधर का फ़र्क है, ज़्यादा टिकट किसी भी टीम के पास नहीं है किसी के, जौनपुर वर्सेस लखनऊ। और अकील भाई आ गए हैं जौनपुर के लिए और नीचे से उस्ताद लड़ा रहा है, तो देखते हैं खींचेंगे एक दूसरे को या पेज फंसाने की कोशिश करेंगे। सही की आवाज़ दी, पेज सही हो गया। अकील भाई बहुत बढ़ करके लड़ा रहे हैं अपनी पतंग को, नीचे से उस्ताद जगह लेते चले जा रहे हैं बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए अकील भाई, और बड़ पतंग को देख के उस्ताद और ज़्यादा नीचे से जगह लेते जा रहे हैं अंदर के मुड्ढे पर ऊँचा करते हुए। अकील भाई की पतंग बहुत बड़ है, चक्कर पर डोर छोड़ी, फिर से बाहरी बाहर अपनी पतंग को खींच रहे हैं, बहुत बड़ हो गई है अकील भाई की पतंग। सल्लक अंदर की तरफ खींचते हुए पतंग को ऊंचा करा, बाहर का मुड्ढा बनाया, रोका, चक्कर लिए, निकलता हुआ बना रहा है अकील भाई, चक्कर पर रोके हैं उस्ताद, रोक के बाहर की तरफ ताकत से खींचा, डबल होती है पतंग अकील भाई की, जा रही पट पर पूरी पतंग गई, उस्ताद के उस्ताद ये पेज कट गए, तो बढ़िया पेज ये काट दिया जौनपुर के अकील उस्ताद ने और एक पेज अपना पूरा कर लिया। शाम का समय, टिकट बराबर है और उम्मीद है कि अजान होगी तो लगता है टिकट तय होकर लड़ेगा। सलमान भाई ऊपर का पेज लड़ा रहे हैं और नीचे से अपोजिट टीम के मेंबर एक पेज काटा है, दूसरी पतंग अपने हाथ में लिए, वाली पतंग बाहर की राउंड थी जिससे पहला पेज काटा था, तो अब देखते हैं कौन काटेगा। ताकत बनाते हुए और ये देखिए ब्लू टी शर्ट में दूर पे खड़े हुए हैं, ये हैं अपोजिट टीम के मेंबर, पीछे की तरफ बढ़ते हुए ताकत बनाई, दोनों लोगों ने अपनी ताकत बनाई, ताकत का पेज सलमान की देखें तुरंत सलमान कट गए, तो दो पेज पूरे कर लिए हैं। शंभू भाई हैं जौनपुर के मेंबर, देवू भाई अपनी पतंग लेने जा रहे हैं, लंबे कर दी है सनी भाई ने, इधर उस्ताद और मुस्ताक भाई अपनी पतंग लंबे करते हुए, अंसार भाई अपने साहबजादे को खिलाते हुए प्यार करते हुए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं फरीद भाई बरेली लॉयन मेकर, ये रहे गोल्डी भाई पतंग की काप दबाते हुए, ये रहे कलीम भाई, कोई डोर नहीं लूट रहा है, खुद ही चरकी कर ले रहे हैं सारी डोर, मांझा छत से काम आएगा, इधर रहे सोडी भाई और एजाज बेग, ये रहे सलमान भाई अभी पेज कटे थे, इधर जौनपुर के मेंबर बैठे हैं गेम का मज़ा ले रहे हैं, और ये पूरी अपोजिट में एमएस काइट क्लब है जौनपुर जिससे गेम लड़ रहा है, और ये मुन्नू चचा शंभू भाई और उनके क्लब के दो और मेंबर साथ देते हुए दो पेज काट चुके हैं, नीचे का पेज लड़ा रहे हैं एमएस काइट क्लब, और कुछ ही पेज और उम्मीदें हो पाएंगे, और देखते हैं आज टिकट के गेम में कौन जीतेगा, लखनऊ एएससी वर्सेस जौनपुर एमएस काइट क्लब। ये रहे शंभू भाई, बढ़िया पतंग लड़ाई आज इन्होंने एमएस काइट क्लब जौनपुर की तरफ से, खींचते बहुत तेज़ हैं, अब की बार इनकी खींच देखते हैं हम लोग, दो पेज काट चुके हैं लगातार पीछे बढ़ते चले आ रहे हैं, जींस भी अपनी खिसकाते हुए धीरे धीरे, और ज़्यादा टेढ़ा करा लिया उस्ताद गर्दन के पास एकदम पतंग को बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा करा लिया, अंदर के मुंडे पर उस्ताद पतंग उतरे, डोर पर रखा, बाहर का मुंडा बनाया, ताका से खींचते हुए और बढ़िया पेज ये काट के तीन पेज शामू भाई ने फिर से पूरे कर लिए अपने एमएस काइट क्लब जौनपुर के लिए। अभी देखिएगा फिर से जींस जरूर खिसकाएंगे, इतनी तेज़ दौड़े थे, थोड़ी बहुत तो जींस ढीली हुई होगी, ये देखिए खिसका ली जींस, तो अब देखेंगे चौथा पेज शामू भाई का, पेज सही हो गया है, नीचे से शामू भाई चौथा पे लड़ाते हुए, ऊपर से सोडी भाई रोकने की कोशिश कर रहे हैं एससी की तरफ से, बीच में एकदम पतंग को उतारते हुए, हल्की सी पतंग बाहर की लग रही है, गद्दा मार है तो सीधी हो रही है, बीच में पतंग को बनाए हुए हैं, शामू ने थोड़ा सा ऊंचा करा, बाहर की तरफ पतंग निकाला, फिर से जगह ले रहे हैं सोडी भाई अपनी पतंग को बीचों बीच में रोके हुए हैं, निकलता हुआ मुड्ढा बनाया, धीरे धीरे उसी को लेकर चल रहे हैं, चक्कर पर रोके, अंदर की तरफ क्रॉस खींचा, ताकत से गद्दा बनाया सोडी भाई ने, उसी को मारते हुए बाहर का मुड्ढा शामू ने बनाया, उसी को ताकत से खींचने सलग निकलते हुए मुड्ढे से सोडी भाई ने पेच काट के चौथे पोज पे शामू भाई को रोक लिया है, और शायद एक दो टिकट दबी गए हैं अब एएससी काइट क्लब के शाम के समय एमएस काइट क्लब जौनपुर की तरफ, दो नीचे की चांस देवू भाई ने ली अब सोडी भाई के काटने के बाद, और अंधेरे के जो भी पेज हैं उसको कवर करते हैं, कलीम भाई एक अपनी चरखी जो बना रहे हैं और देवू भाई की चरखी दिखा रहे हैं, देखते हैं देवू भाई नीचे बढ़ रहे हैं कितने पेज काट पाएंगे एएससी काइट क्लब के लिए, तो नीचे से देवू भाई, ऊपर से शामू भाई ने फिर से अपने हाथ में पतंग ले ली है, सही की आवाज़ दी, शायद दो टिकट दबे हैं एएससी के जौनपुर की तरफ, नीचे से जेबू भाई पतंग को चमकाते हुए, पतंग को ऊपर ही ऊपर रोके हैं, बिल्कुल नीचे नहीं आ रहे हैं,
पतंग की रेंज को कम करते हुए अंदर के मुड्ढे पे ऊंचा करते हुए सीधी पतंग उतारते हुए शामू और ज़्यादा टेढ़ा करा के जगह लेते हुए जेबू भाई एससी के लिए क्रॉस की तरफ खींचा। शामू भाई ने काफ़ी ज़्यादा फटाव कर लिया है, पतंग को ऊंचा करा, निकलता ऊंटा बनाया, ताकत से उसे खींचा भाई तरफ। शामू भाई ताकत से खींच रहे हैं और ये पिच काट के एक पिच फिर से शामू भाई ने पूरा कर लिया है MS स्काई क्लब जौनपुर के लिए। शहर से दूर है, करीब होगा 20 किलोमीटर कम से कम, लेकिन ऐसा ग्राउंड था यहाँ पे एक मंजा भी नहीं तोड़ा गया, पूरा मंजा खींच के छोड़ देना पड़ा। और बढ़िया जगह है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वीडियो में हो सकता है इतना आइडिया ना लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे अगर आएंगे और कोई जिनको परदेसी दूर का शौक़ करना होता है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, जहाँ तक चाहे वहाँ तक रेंज छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा जो गेहूँ कटता है उसमें जो बांस खड़ी रह जाती है बस उसकी दिक्कत है, लेकिन जगह बना के लड़ा सकते हैं। और बढ़िया ग्राउंड है जौनपुर का। ये सोडी भाई नीचे पहुंच गए हैं लड़ाने के लिए, जगह ले रहे हैं, ऊपर से फिर से शामू भाई ने चांस ले लिया। रेंज कम है, सही जवाब दी पे सही, नीचे से जगह लेते हो। सोडी भाई अपनी पतंग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ करे हुए हैं, पतंग शामू की थोड़ी सी बाहर की है, जब निकलता हूँ मारते हैं तो थोड़ी सी घूमते हुए अंदर की तरफ आती है, अगली बार देखते हैं काम आएगी कि नहीं पतंग। धीरे धीरे पतंग को बनाते हुए अंदर के मुड्ढे पर लगा था सोडी भाई पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा कर लिया, निकलता हूँ मुड्ढा बनाया, निकलता हूँ बनाया, शंभू ने भी उसी को ताकत से मारते हुए पतंग सीधी हुई क्रॉस पे खींचा सोडी भाई ने, बढ़िया पेज काट के दो पेज अपने पूरे कर लिए एसी काइट क्लब के लिए। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, दूर पर देख सकते हैं लाइटें भी जलने लग गई हैं। तो शामू भाई ने पतंग दूसरे भाई के हाथ में दे दी है, ये रहा शामू भाई, अब देखते हैं आखिरी पेज कोई और लड़ा रहा है, टिकट बराबर होता है या फिर जौनपुर दो टिकट से जीतेगा आज का गेम और कुछ डिसाइड होता है कि नहीं इस पेज के बाद। सही की आबादी पेज सही हो गया, दोनों पतंगें बराबर हैं, पतंग को चमकाते हुए अंदर के मुड्ढे पर सोडी भाई पतंग को ऊंचा करते जा रहे हैं, लगातार बाहर का मुड्ढा बनाया उसी को खींचते हुए ताकत बनाई चक्कर लिए जौनपुर के मेहमान ने सीधा गद्दा मारा, लेकिन सोडी भाई खींचते जा रहे हैं लगातार ये पेज काट के, टिकट बराबर कर लिया है। अब देखते हैं क्या डिसीजन लिया जाएगा दोनों के बीच में, जौनपुर वर्सेस लखनऊ। तो भाई गेम यहाँ पर एंड हो गया है, जौनपुर MS काइट क्लब वर्सेस AC काइट क्लब के बीच में टिकट का गेम था जो कि बराबर पे बंद हो गया। ये रहा उस्ताद हमारे साथ में, उस्ताद क्या कहना, शाम तक पतंग ली गर्मी, बहुत अच्छी पतंग लड़ा दी, टिकट हम लोग के पास चल रहे थे, शाम गेम बराबर कर दिया, टिकट तीन मेरे गए जो सीधा से दो तीन से उन्होंने काट दिए, सोडी भाई ने काट के गेम को बराबर कर दिया, दो टिकट उधर थे दो शाम को सोडी ने काट दिए, तीन थे दो तीन का फर्क चलता रहा और सोडी भाई ने काट के। बात करो भैया पतंग का गेम एंड हो गया, सब लोग निकल रहे हैं और आंधी आने लग गई है, सब चलते हैं, जो पार्टी है वो अटेंड करनी है भाई हम लोग को, जिसके लिए आए थे, चलते हैं यहाँ से निकलना है भाई। अब ये बढ़िया ग्राउंड था।